हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ यू ऑल? गुड। ओके बेटा, सो वेलकम अगेन टू योर ऑनलाइन साइंस क्लास। एज यू ऑल नो, फ्रॉम 7 दिसंबर योर पोस्ट टर्म एग्जाम। यस, सो फॉर द पोस्ट टर्म एग्जाम यू नीड टू डू रिवीजन, एंड वी ऑलरेडी डन द वन चैप्टर रिवीजन। यस, चैप्टर 8 रिवीजन वी ऑलरेडी डन इन योर ऑफलाइन क्लास। So in the online class today we are going to do our next chapter revision. Next lesson is 9. 9 is nervous system. So nervous system. So for this lesson you open your book page number B10. You already do the reading and explanation of this lesson, but I am going to tell you again explanation of this chapter in brief. Okay, so students see the video very attentively. Okay, so nervous system, what are nervous system? So आपको पता है nervous system क्या होता है students? Nervous system होता है हमारा तंत्रिका तंत्र, जिसे कि हम बोलते हैं nervous system means तंत्र और nervous means तंत्रिका तंत्र। So अब इस chapter में हम nervous system और sense organs को ही देखेंगे। So which organ इट इज, कौन सा ऑर्गन जो होता है हमारे हमें लर्निंग करने में, थिंकिंग करने में हेल्प करता है, दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के सिस्टम्स को एंड सेंस ऑर्गन्स, और सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम, जो कि हेल्प करता है हमें देखने में और पढ़ने में, लिखने में, सोचने में, फील करने में, लर्न करने में, रेस्पॉन्ड करने में, चलने में, बोलने में। ओके, जो इट्स हेल्प अस। ओके, एंड नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। अब हम नर्वस सिस्टम देखेंगे ऑन द पेज नंबर B11। B11 में क्या आपका नर्वस सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, आपको पता है नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? मेड अप ऑफ नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ किस किस से मिलकर बना होता है? हमारे ब्रेन से, स्पाइनल कोर्ड से एंड नर्वस सेल से। सो ब्रेन मीन्स हमारा दिमाग, एंड स्पाइनल कोर्ड मेरुदंड एंड नर्वस सेल्स मीन्स तंत्रिकाएं, इन सबसे मिलकर के क्या बना होता है? हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है। यू कैन सी इन द डायग्राम। ओके, इन योर बुक डायग्राम आर गिवन। सो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेन, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड नर्वस सिस्टम से बना होता है। तो ब्रेन, दिमाग जो होता है हमारा, ब्रेन इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, कि हमारी बॉडी में जो भी कंट्रोल होता है वो किसके, कौन करता है? ब्रेन करता है। सो वी कैन से इट अवर बॉडी इज कंट्रोल सेंटर ऑल्सो। इट सेंड्स एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू स्पाइनल कोड एंड नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है? सेंड करता है, मीन्स भेजता है और रिसीव करता है डिफरेंट डिफरेंट मैसेज डिफरेंट पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को। जैसे हमें कोई भी मैसेज जो मिलता है कि अब हमें यही करना है, ये किससे मिलता है? ब्रेन देता है। किसके थ्रू? स्पाइनल कोड और नर्वस सिस्टम के थ्रू। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी स्कल। ये बोनी स्कल के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल इज फिल्ड विद ए फ्लूइड दैट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। जो स्पेस होती है ब्रेन और स्कल के बीच में, वो फिल की जाती है किसके द्वारा? फ्लूड होता है, फ्लूड जो कि एक्ट करता है शॉक एब्जॉर्बर के जैसे एक्ट करता है, उसके थ्रू ये फिल की जाती है। दिस फ्लूड प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजरीज। ये फ्लूड जो होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है इंजरीज से। द ब्रेन हैज मेन थ्री पार्ट्स। हमारा ब्रेन जो होता है वो थ्री पार्ट्स रखता है। सो फर्स्ट इज सेरिब्रम। तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? थ्री पार्ट्स। सेरिब्रम एंड सेरिबेलम एंड थर्ड इज मेडुला। मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, सो थ्री पार्ट्स होते हैं। सेरिब्रम जो होता है ये क्या है? सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये सेरिब्रम जो होता है लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, ब्रेन का। हमारा देखिए पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डायग्राम इज ऑल्सो गिवन ऑन द पेज नंबर B11। सो सी
सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट, जो हमारे बॉडी का सॉरी ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट दिखाया हुआ है. इट हैज मैनी ग्रूव्स एंड फोल्ड्स, इसमें बहुत सारे ग्रूव्स और फोल्ड्स होते हैं. ये सेंटर होता है किसका, इंटेलिजेंसी का. इट कंट्रोल आवर सेंस ऑर्गन, ये हमारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग लर्निंग एंड रीजनिंग, ये हमारी थिंकिंग करने में लर्निंग करने में और रीजनिंग करने में रेस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट इज सेरिबेलम, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम. सेरिबेलम इज द इट इज लाइव बिलो द सेरिब्रम, ये सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है. इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट ऑफ मसल्स, ये मसल्स की मूवमेंट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है. इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में भी मेंशन करने में भी हेल्प करता है. ओके, सो सेरिबेलम अंडरस्टूड, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड सेरिबेलम. नेक्स्ट इज मेडुला ओब्लोंगेटा. मेडुला ओब्लोंगेटा जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टेम. मेडुला ओब्लोंगेटा को हम ब्रेन स्टेम भी बोल सकते हैं. व्हाट वी कैन कॉल इट, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम. ओके, सो इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये जो ब्रेन का बेस होता है उस पर वहां पाया जाता है. इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से. ओके, एंड इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये इनवॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं जैसे कि ब्रीथिंग जो कि हम नहीं करना चाहते तो भी होते हैं, अनैच्छिक जो चीजें होती है, अनैच्छिक जो एक्शन होते हैं जैसे ब्रीथिंग, डाइजेशन, स्वेलो, हार्ट बीट, ये सब कौन कंट्रोल करता है, ये मेडुला ओब्लोंगेटा मीन्स स्टेम, ब्रेन स्टेम जो था वो कंट्रोल करता है. नाउ लेट्स नो मोर, राइट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी. लेफ्ट हाफ जो होता है मीन्स सॉरी राइट हाफ जो होता है, जो हमारी राइट हाफ जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट पार्ट को. राइट हाफ जो होता है वो लेफ्ट पार्ट को एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का लेफ्ट हाफ जो है वो किसको कंट्रोल करता है, राइट पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, सो इस तरह से स्टूडेंट्स स्पाइनल कॉर्ड. नाउ यू नो ब्रेन थ्री पार्ट, सेरिब्रम एंड मेडुला ओब्लोंगेटा, यू कैन कॉल इट ब्रेन स्टेम ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसके बारे में देखेंगे. स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थिक बंडल. जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कैसा होता है, एक लॉन्ग लंबा और थिक बंडल होता है जो जिसे हम मेरुदंड बोलते हैं, ऑफ नर्वसेस, तंत्रिकाओं का एक लॉन्ग और थिक बंडल होता है दैट एक्सटेंड्स डाउन फ्रॉम द मेडुला टिल द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन. जो कहाँ फैला होता है, डाउन फ्रॉम द मेडुला, मेडुला के से नीचे की तरफ से टिल द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन. लोअर एंड जो है बैकबोन का वहां तक फैला होता है. इट इज प्रोटेक्ट बाय द बैकबोन, ये किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, बैकबोन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है. नर्वसेस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कोर एंड स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी. नर्वस क्या उत्पन्न करता है, स्पाइनल कोर को और क्या फैलाता है, स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, और ऑल ओवर द बॉडी को स्प्रेड करता है. द स्पाइनल कोर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू नर्वस सिस्टम. जो स्पाइनल कोर जो होता है रेस्पॉन्सिबल होता है मैसेज को कैरी करने के लिए ब्रेन और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी की नर्वस सिस्टम होती है, तंत्रिकाएं जो होती है उनसे और ब्रेन से मैसेज कैरी करता है. इट ऑल्सो कंट्रोल द एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन, ये एक्शन को भी कंट्रोल करता है जो कि इन्वॉल्व नहीं होता है कहाँ पे, ब्रेन में. दीज एक्शन आर कॉल्ड रिलैक्स एक्शन, ये एक्शन कहलाते हैं रिलैक्स एक्शन. रिलैक्स एक्शन जो होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड. ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड इज कंट्रोल द रिलैक्स एक्शन. रिलैक्स एक्शन को क्या करता है, कंट्रोल. नाउ नर्वसेस होती है स्टूडेंट्स मीन्स तंत्रिकाएं जो होती है वो क्या होती है, नर्वसेस आर मेड अप ऑफ नर्वस सेल्स तंत्रिका कोशिका से बनी होती है जो कि न्यूरोन्स कहलाती है. ओके, न्यूरोन्स क्या होते हैं, नर्वसेस आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स. ओके, आर कॉल्ड न्यूरोन्स. नर्वसेस रन थ्रू आउट द बॉडी, नर्वसेस रन करती है थ्रू आउट द बॉडी. दे कैरी मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये कैरी करती है मैसेज को ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी तक.
देर आर थ्री टाइप्स ऑफ नर्वसेस, थ्री टाइप्स की नर्वसेस होती है. फर्स्ट इज सेंसरी नर्व, सेकेंड इज मोटर नर्व एंड थर्ड इज मिक्स नर्वसेस. ओके, सो अब हम इन नर्वसेस के बारे में देखेंगे. स्टूडेंट कितने टाइप्स की होती है? थ्री टाइप्स की. थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज सेंसरी, सेंसरी नर्व. सेकेंड इज मोटर. एंड थर्ड इज मिक्स्ड. मिक्स ओके. सो सेंसरी नर्व जो होती है मैसेज को कैरी करती है फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन. ये सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक क्या करती है? मैसेज को कैरी करती है और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक कैरी करती है. ओके, सेंस ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक कैरी करती है. नेक्स्ट मोटर नर्व. मोटर नर्व जो होती है मैसेज को कैरी करती है फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स, ऑर्गन्स और ग्लैंड्स तक मैसेज को कैरी करती है. मिक्स नर्वसेस जो होती है टू बोथ द जॉब्स, ये दोनों बोथ करती है, कैरी मैसेजेस एंड टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. ओके, दोनों काम करती है, दोनों जॉब करती है, कैरी मैसेज एंड टू फ्रॉम द ब्रेन. अब हमारा रिलैक्स एक्शन. रिलैक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? मैंने ये बताया था स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे रिलैक्स एक्शन को कंट्रोल करती है. सो देखिएगा, आप यहाँ पे एक रिलैक्स एक्शन दिया हुआ है. व्हाट हैपन व्हेन यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट और यू गेट प्रिक्ड बाय ए थॉर्न. कि क्या होता है जब हम किसी एक हॉट ऑब्जेक्ट को गर्म जो ऑब्जेक्ट होता है उसे टच कर लेते हैं, या फिर कोई थॉर्न जो होता है मीन्स जो काटा है वो हमारे हैंड्स पर लग जाता है. ओके, सो जब आप You withdraw your hand immediately. हम क्या करते हैं? जल्दी से अपना हैंड्स हटा लेते. क्यों हटाते स्टूडेंट्स? सच एक्शन आर ऑटोमेटिकली. ये एक्शन ऑटोमेटिकली होते हैं, जैसे कि अपने आप होते हैं. जैसे कि ऑटोमेटिक एक्शन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट इज कॉल्ड रिलैक्स एक्शन. जो ऑटोमेटिक एक्शन जो होता है उसका रेस्पॉन्स जो होता है टू एन इवेंट, एक इवेंट के लिए जो रेस्पॉन्स होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. सो रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, मैसेज को कहां तक पहुंचाता है, कैरी करता है मैसेज को, और हमें क्या करता है सबसे पहले देखिए क्या करेगा, फिक बाय थ्रोन. जब आपको एक काटा लगेगा तो क्या होगा, सेंसरी नर्व कैरीज मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड. हमारी सेंसरी नर्व जो होती है जो कि मैसेज को कैरी करती है सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक. सो हमारी स्किन टच होगी तो हमारी सेंस ऑर्गन से मैसेज कहां जाएगा, स्पाइनल कोड को जाएगा. पहले स्पाइनल कोड क्या करेगा, स्पाइनल कोड अंडरस्टैंड द मैसेज. स्पाइनल कोड मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा एंड देन मोटर नर्व कैरीज द मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू द हैंड. और फिर मोटर नर्व जो होती है वो ब्रेन से मैसेज को कहां तक कैरी करती है, हैंड तक कैरी करती है. ओके, ये प्रोसेस सेकंड में ही हो जाती है वाली प्रोसेस. जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, सेंसरी नर्व जो होगी वो क्या करेगी, कैरी करेगी मैसेज को स्पाइनल कोड तक. स्पाइनल कोड क्या करेगा, मैसेज को अंडरस्टूड करेगा. और मोटर नर्व जो थी ब्रेन से जो मैसेज आएगा हमारे हैंड्स तक वो करेगी, वो हमें पहुंचाएगी. और हैंड्स क्या होगा, विड्रॉ हो जाएगा, हाथ हट जाएगा. इस तरह से ये प्रोसेस जो होती है कैसे होती है, इमीडिएटली होती है, बहुत जल्दी से होती है. यस, सो स्टूडेंट्स इस तरह से रिलैक्स एक्शन जो होता है स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है. अब आप देखोगे कि बिफोर स्टार्ट आवर सेंस ऑर्गन्स, हमने देखा था कि हमारे जो अब हमारा ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, पहले हम ट्रू फॉल्स सॉल्व करेंगे. आफ्टर दैट ट्रू फॉल्स. द फर्स्ट इज द नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल अदर बॉडी पार्ट्स, बॉडी सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स. हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ऑल अदर बॉडी सिस्टम. यस, ऑल बॉडी सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है, सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. यस, इट्स ए ट्रू ट्रू स्टेटमेंट. यस, सो ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट में क्या लिखोगे आप, ट्रू. इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट. नाउ इन द सेकंड, द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन ओनली. नर्वस सिस्टम ओनली ब्रेन कंसिस्ट होता है? नो, नर्वस सिस्टम में ओनली ब्रेन कंसिस्ट नहीं होता, ब्रेन स्पाइनल कोड एंड नर्वस कंसिस्ट होती है. इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट नंबर थ्री,
सेरिबेलम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. सेरिबेलम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है. नो क्या होता है, सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है. सो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट बट सेरिबेलम इज नॉट. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो इन थर्ड ऑल्सो फॉल्स. नाउ नेक्स्ट फोर्थ, मेडुला इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन सिस्टम. मेडुला को हम ब्रेन सिस्टम भी, ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं. इट्स अ ट्रू और फॉल्स. True statements, yes, medulla we can call it, brainstem also, true. Number fifth, relax action are controlled by the brain. Relax action जो होता है brain के द्वारा control किया जाता है. No, it's controlled by spinal cord. So it's a false statement. So you can write here false. Okay, F. True false understood. Read each and every statements very carefully and then give the answer. Okay, students. Now next is sense organs. अब हम देखेंगे सेंस ऑर्गन्स. नर्वस सिस्टम में क्या होता है हमारे, यस. सो सेंस ऑर्गन्स ऑल्सो इंक्लूड. सो सेंस ऑर्गन जो होता है कनेक्ट अस टू द आउटसाइड वर्ल्ड. कनेक्ट करता है हमें आउटसाइड द वर्ल्ड. सो देर आर फाइव सेंस ऑर्गन्स. आपको पता है फाइव सेंस ऑर्गन्स है, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम आईज के बारे में देखेंगे. सो आईज हेल्प अस टू सी. आईज हमारी हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करती है, देखने में हेल्प करती है. मीन्स विद द हेल्प ऑफ आईज वी कैन सी. आईज की हेल्प से हम देख सकते हैं. सो सबसे पहले आईज की स्ट्रक्चर दी हुई है ऑन द पेज नंबर B13. ऑन द पेज नंबर B13 ओके. सो आईज, द आईज हेल्प अस टू सी. ईच आईबॉल इज सेफ्टी सेट इन ए डीप बोनी सॉकेट इन द स्कल. आईज होती है हमें देखने में हेल्प करती है और इज आई बॉल जो होती है सेफ होती है. सेट कहाँ सेफ होती है, बोनी सॉकेट में, स्कल में, एक बोनी सॉकेट में बिल्कुल सेफ सेट होती है. इट इज फर्दर प्रोटेक्ट बाय आईलिड्स एंड आईलेसेस, जो कि हमारी जो प्रोटेक्ट रहती है, मीन सुरक्षित रहती है, प्रोटेक्ट करती है. किससे, किसके द्वारा, आईलिड्स और आईलेसेस होती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है. आईलिड्स एंड आईलेसेस प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम डस्ट. किससे प्रोटेक्ट करती है, डस्ट से, मीन्स धूल से. इन द फ्रंट ऑफ द आई देर इज ए सर्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉल्ड कॉर्निया. सो यू कैन सी पिक्चर. इस तरह से हमारी नर्वसनेस होती है जो कि ऐसे होती है. ओके, सो स्ट्रेस देखिएगा सबसे फ्रंट में ऑफ द आई. आई के फ्रंट में क्या होता है, देयर इज अ सर्कुलर एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉल्ड कॉर्निया. एक सर्कुलर और ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं. ओके, व्हाट इज दिस कॉर्निया. एंड द कलर पार्ट ऑफ द आईज इज आईरिस. जो कलर पार्ट होता है इसका यहाँ पे, ये क्या होता है, आईरिस होता है. व्हाट इज दिस आईरिस. ओके, एंड एन ओपनिंग ऑफ द आईरिस कॉल्ड पुपिल. ओपनिंग जो होता है मीन्स खुलना, जो आईरिस का खुलना, आंख की पुतली का खुलना. आईरिस होता है आंख की पुतली, खुलना क्या होता है, पुपिल. और अलाउ द लाइट टू एंटर द लेंस, जो कि अलाउ करता है लाइट को लेंस के अंदर. ओके, सो दैट जैसे कि ओपन होगा तो दैट इज प्यूपिल. ये क्या होगी, पुतली होगी. अन ओपनिंग ऑफ आईरिस, आंख का पुतली का खुलना जो होता है वो क्या होगा, प्यूपिल. अलाउ द लाइट टू एंटर द लेंस. नाउ सिलियरी मसल्स. सिलियरी मसल्स होल्ड एंड कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस. सिलियरी मसल्स होती है जो कि होल्ड करती है और कंट्रोल करती है किसकी, शेप ऑफ द लेंस. लेंस की शेप को होल्ड करती है और कंट्रोल करती है. एट द बैक ऑफ द आईज इज रेटिना. लेंस, दिस इज लेंस. ओके,
एंड जो यहाँ पे क्या होता है, रेटिना होता है, रेटिना बैक ऑफ द आईज इज रेटिना, ए सेंसरी नर्व कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। इसे क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ओके, कनेक्ट द आई टू द ब्रेन, जो कि किससे कनेक्ट होती है, आई टू द ब्रेन, आईज से ब्रेन को कनेक्ट होती है ऑप्टिक नर्व। ओके, सो इस तरह से ये आईज की स्ट्रक्चर है। आईज में क्या होता है, सबसे जो ट्रांसपेरेंट पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर एंड कॉर्निया। कॉर्निया के बाद क्या होता है, इसमें कलर पार्ट ऑफ द आईज इज आयरिस, और ओपनिंग ऑफ आयरिस इज कॉल्ड प्यूपिल। एंड जो लेंस लेंस तो होता है वो क्या करता है, ओके इस तरह से फिर सिलियरी मसल्स जो होती है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है शेप, शेप को, लेंस की शेप को कंट्रोल करती है। और रेटिना जो होता है बैक साइड में होता है, और ऑप्टिक नर्व जो होती है कनेक्ट होती है आई टू द ब्रेन। ओके स्टूडेंट, सो आई स्ट्रक्चर इन योर बुक इज ऑल्सो गिवन, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो एंड अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ आई। नाउ केयर ऑफ द आईज, अब हम केयर देखेंगे कि आईज की हम केयर कैसे कर सकते हैं। वॉश योर आईज रेगुलरली विद क्लीन वाटर, हमें आईज को रेगुलरली क्लीन करना है क्लीन वाटर से। डोंट वॉक इन ए डिम लाइट और वेरी ब्राइट लाइट, हमें बहुत ज्यादा डिम एंड ब्राइट लाइट में वॉक नहीं करना है। सिट 6 feet अवे फ्रॉम द टेलीविजन, हमें 6 feet कैसे बैठना है, सिट 6 feet अवे, दूर बैठना है। जब हम टीवी देखते हैं, टेलीविजन देखते हो, या फिर आप लैपटॉप यूज में करते हो, तो एटलीस्ट 6 feet की दूरी आपकी होनी चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स डोंट वॉच टेलीविजन फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग आवर, हमें लंबे समय तक टीवी को नहीं देखना है। डोंट प्ले कंप्यूटर गेम्स और वीडियो गेम फॉर लॉन्ग आवर, कंप्यूटर गेम और वीडियो गेम भी हमें लॉन्ग आवर तक प्ले नहीं करना है। एंड व्हाइल रीडिंग कीप योर बुक अबाउट 12 inches फ्रॉम योर आईज, आपको जब रीडिंग करनी होती है तो एटलीस्ट आपकी आईज से बुक की डिस्टेंस जो 12 inches होनी चाहिए। ऑलवेज सिट अपराइट व्हाइल रीडिंग, जब आप कभी भी रीडिंग करते हैं स्टडी करते हैं तो योर बैकबोन शुड बी स्ट्रेट, सो सिट बैठना अपराइट। ओके, इस तरह से डोंट रीड इन मूविंग व्हीकल्स, आपको मूविंग करते व्हीकल्स में रीड नहीं करना है, जैसे कि आप ट्रेवल कर रहे हो बस में गाड़ी में, तो दैट टाइम यू डोंट नीड टू रीड द बुक एंड न्यूज पेपर ऑल्सो। ओके, सो आपको रीडिंग नहीं करनी होती है दैट टाइम। तो आप सम अंडरस्टूड द केयर ऑफ आईज, कि हमें आईज की केयर कैसे करनी है। नाउ नेक्स्ट इज ईयर्स, ईयर्स जो है वो क्या होता है, और ईयर हेल्प अस टू हियर साउंड, ईयर हेल्प करता है हमारी क्या करने में, साउंड को सुनने में हेल्प करता है, मीन्स जो आवाज सुनते हैं हमें जो भी सुनाई देता है उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा ईयर हेल्प करता है। सो स्टूडेंट दे ऑल्सो हेल्प अस इन मेंशनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी का बैलेंस मेंशन करने में भी हेल्प करते हैं। ईयर के 3 parts होते हैं, फर्स्ट इज आउटर ईयर, नेक्स्ट इज मिडिल ईयर, एंड थर्ड इज इनर ईयर, आउटर मिडिल एंड इनर। ऑडिटरी नर्व कनेक्ट द ईयर टू द ब्रेन, नर्व जो होती है कनेक्ट होती है द ईयर टू ब्रेन, ईयर से ब्रेन को कनेक्ट होती है। सो अब हम देखेंगे केयर कैसे करते हैं, हम ईयर की कैसे केयर कर सकते हैं। कीप द ईयर क्लीन एंड ड्राई, हमें ईयर को क्लीन और ड्राई रखना है। यूज ए ड्राई टॉवल टू क्लीन योर ईयर्स, आपको एक ड्राई टॉवल यूज में लेना अपने ईयर को क्लीन करने के लिए। एंड डोंट क्लीन योर ईयर विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, आपको अपने ईयर को शार्प ऑब्जेक्ट से क्लीन नहीं करना है, और आपको कोई भी थिंग्स अपनी ईयर में नहीं डालनी है। जैसे कि आप क्या करते हो, कभी बैठे हो आपने अपनी पेंसिल डाली, आपके पास अगर पेन है तो वो डाला, कोई स्टिक्स है तो वो, ऐसे कुछ नहीं डालना आपको, कोई भी शार्प थिंग्स होते हैं उसे क्लीन नहीं करना अपने ईयर को। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंस ऑर्गन्स इज नोज, आईज ईयर, नाउ थर्ड इज नोज, नोज हेल्प अस टू स्मेल एंड ब्रीथ, नोज हमारे किस में हेल्प करता है, स्मेल में और ब्रीथ करने में, हमें जो भी स्मेल आती है, खुशबू आती है, या फिर आप बोलते हो कि मम्मी आज तो यम्मी यम्मी खाना बना है, स्मेल अच्छी आई है ना, खुशबू अच्छी आई ना, और जैसे और ब्रीथ करते हैं हम, जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू गैस कहाँ से जाती है, हमारे नोज के थ्रू। देर आर मैनी नर्व एंडिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नोज, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी नर्व है ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नोज, दिस नर्व एंडिंग हेल्प अस टू डिटेक्ट डिफरेंट स्मेल, जो कि हमें यहाँ हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट स्मेल को डिटेक्ट करने में, पहचानने में। अब हम एयर नोज, हमारे नोज की केयर कैसे करते हैं, कीप योर नोस्ट्रिल क्लीन, आपको अपने नोस्ट्रिल्स को कैसे रखना है, क्लीन रखना है। डोंट पुट ऑब्जेक्ट्स इनटू द नोज, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अपने नोज में नहीं पुट करना है, नहीं डालना है। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू नोज, हमको हमेशा नोज के थ्रू ब्रीथ करना है। द नोज हैज टिनी हेयर दैट प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स,
नोज में टीनी क्या होते हैं, टीनी हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं जो कि हमारे जो लंग्स तक डस्ट होता है उसको जाने से बचाते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं हमारे डस्ट को हमारे लंग्स तक एंटर करने में। ओके स्टूडेंट्स, टंग। नाउ फोर्थ सेंस ऑर्गन इज टंग, हमारी जीभ जो होती है टंग। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट, टेस्ट करने में हमारी कौन हेल्प करता है, टंग। सो इट ऑल्सो हेल्प इन स्पीकिंग, ये हमारी बोलने में भी हेल्प करते हैं। विदाउट टंग वी कॉन्ट बी एबल टू स्पीक। द सर्फेस ऑफ द टंग हैज मैनी टेस्ट बर्ड, सर्फेस होती है टंग की उस पर बहुत सारे टेस्ट बर्ड होते हैं, मीन स्वाद के कलिकाएं होती है। टेस्ट बर्ड हैव नर्व एंडिंग विच कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन, टेस्ट बर्ड जो होती है वो क्या करती है, हैव नर्व एंडिंग विच कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन, नर्व एंडिंग होती है जो कि मैसेज कैरी करती है टू द ब्रेन, ब्रेन को। द टंग कैन डिटेक्ट योर टाइप्स ऑफ टेस्ट, टंग जो होती है डिटेक्ट करती है टाइप्स ऑफ टेस्ट, टेस्ट स्वीट और साल्टी एंड बिटर। वी शुड कीप अवर टंग क्लीन विद द हेल्प ऑफ ए टंग क्लीनर, हम अपनी टंग को क्लीन कर सकते हैं विद ए टंग क्लीनर, अब एक टंग क्लीनर की हेल्प से। सो स्टूडेंट दिस इज अबाउट द टंग। ओके टंग की हेल्प से हमें टेस्ट का पता चलता है ना। नाउ नेक्स्ट स्किन, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, ये क्या आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारी बॉडी का, स्किन जो है। इट हेल्प अस टू फील हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर, रफ रफनेस एंड स्मूथनेस, ये हमारी हेल्प करते हैं, हम फील करते स्किन की हेल्प से फील करते कि हॉट है, कोल्ड है, या फिर पेन हो रहा है हमें, या फिर कोई प्रेशर कर रहा है, दबाव डाल रहा है, या फिर रफ रफ सरफेस है, या फिर स्मूथ सरफेस है, ये सब हमें स्किन की हेल्प से पता चलता है। सो नाउ केयर ऑफ स्किन, हम स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं। बाथ विद सॉप, हमें साबुन से नहाना है, एंड क्लीन वाटर, क्लीन वाटर से। इट हेल्प टू रिमूव डर्ट एंड स्वेट, जो कि हमारी हेल्प करता है डस्ट और स्वेट को रिमूव करने में। स्वेट कम्स आउट थ्रू पोर्स ऑन द स्किन, जो हमारे स्किन पर पोर होते हैं उनकी हेल्प से स्वेट जो होता है वो बाहर निकलता है। वेयर क्लीन एंड ड्राई क्लोथ, ऑलवेज यू वेयर क्लीन एंड ड्राई क्लोथ, आपको हमेशा साफ और ड्राई क्लोथ पहननी है। सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। ओके इफ यू सी द वीडियो वेरी केयरफुली यू नो द ऑल आंसर ऑफ द एक्सरसाइज ऑल्सो। ओके नाउ टिक द करेक्ट आंसर, कम ऑफ द एक्सरसाइज टिक द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट इज आई हैव ऑलरेडी सेड टू यू ऑल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, बट अगेन आई डिविजन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम हेल्प अस टू लर्न एंड थिंक, कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो हेल्प करता है लर्न और थिंक करने में, कौन सा ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेस्ट सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा हेल्प करता है क्या, किसमें, लर्न करने में और थिंक करने में। सो इन द फर्स्ट टिक द करेक्ट आंसर, फर्स्ट में सी ऑप्शन इज राइट, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हेल्प अस टू थिंक एंड लर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हेल्प अस टू टेस्ट, कौन सा सेंस ऑर्गन जो हमारी टेस्ट में हेल्प करता है। आईज, ईयर, नोज, टंग। टंग विद द हेल्प ऑफ टंग, टंग की हेल्प से हम बताते हैं ना कि कैसा टेस्ट है। नाउ नेक्स्ट इज नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। मैंने थ्री पार्ट बताए थे ब्रेन के, तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन था, सेरिब्रम। सो सेरिब्रम, सेरिब्रम, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, सो सेरिब्रम। सो बी ऑप्शन इज राइट, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट इज ऑप्टिक नर्व कैरीज मैसेज फ्रॉम द, ऑप्टिक नर्व जो होता है मैसेज कैरी करता है किससे, आईज, ईयर, नोज, स्किन, आईज से। सो ये ऑप्शन इज राइट, आईज। नेक्स्ट इज नंबर फिफ्थ, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, कौन सा पार्ट है जो हमारी बॉडी का जो कि बैलेंस को मेंशन करने में हेल्प करता है। सो फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकंड इज सेरिब्रम, थर्ड इज मेडुला एंड फोर्थ इज स्पाइनल कॉर्ड। सो कौन सा पार्ट जो होता है बैलेंस, बॉडी का बैलेंस मेंशन करने में हेल्प करता है, सेरिब्रम। सो बी ऑप्शन इज राइट, फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट इज इन योर बुक हेल्पिंग बॉक्स आर गिवन, बट इन योर एग्जाम नो हेल्पिंग बॉक्स आर कमिंग,
ओके सो यू नीड टू रीड द ब्लैंक्स वेरी केयरफुली ओके एंड राइट करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक सो फर्स्ट इज ब्लैंक इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी तो हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है वो कौन होता है कौन है सो राइट आंसर इज कौन है हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर ब्रेन ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी सो इन द फर्स्ट ब्लैंक यू राइट ब्रेन एंड सेकेंड इज मेडुला कंट्रोल्स दैट एक्शंस लाइक ब्रीथिंग एंड डाइजेशन मेडुला जो होता है कंट्रोल करता है एक्शंस को कौन से एक्शंस को जैसे कि ब्रीथिंग डाइजेशन ये कौन से एक्शंस है यस कौन से एक्शन स्टूडेंट्स इनवॉलेंटरी जो कि अनिच्छिक होते हैं इनवॉलेंटरी जो कि ऑटोमेटिक होते हैं इनवॉलेंटरी ओके नाउ नेक्स्ट नंबर थर्ड इज रिलैक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द रिलैक्स एक्शन जो होते हैं किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं यस बाय द स्पाइनल कॉर्ड सो व्हाट यू राइट इन द थर्ड ब्लैंक स्पाइनल कॉर्ड नेक्स्ट इज नंबर फोर्थ द ईयर हैज डैश पार्ट्स ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं थ्री आउटर मिडल एंड इनर तो थ्री पार्ट्स सो व्हाट यू राइट इन द फोर्थ ब्लैंक थ्री नेक्स्ट नंबर फिफ्थ इज द सर्फेस ऑफ द टंग हैज मैनी जो टंग के सर्फेस होते हैं उसमें क्या होते हैं बहुत सारे टेस्ट बर्ड सो व्हाट यू राइट ओके सो दीज आर योर फिल इन द ब्लैंक्स नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नेम द फॉलोइंग सो नेम द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम आपको क्या बताना है नर्वस सिस्टम का पार्ट बताना है जो कि हेल्प करता है किसमें हेल्प करता है सी इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विच एक्ट्स लाइक टेलीफोन वायर जो कि नर्वस सिस्टम का वह पार्ट जो कि एक्ट कर टेलीफोन वायर की तरह एक्ट करता है दैट इज नर्वस सो व्हाट यू राइट इन द फर्स्ट आंसर नर्वस ओके नर्वस तंत्रिकाएं जो होती है वो पार्ट नर्वस सिस्टम में तंत्रिकाएं जो होती है वो टेलीफोन वायर की तरह काम करती है द पार्ट ऑफ ब्रेन विच हेल्प इन थिंकिंग लर्निंग एंड रीजनिंग कौन सा पार्ट जो होता है वो थिंकिंग करने में ब्रेन का जो थिंकिंग लर्निंग और रीजनिंग में हेल्प करता है सेरिब्रम सो व्हाट यू राइट इज द सेकेंड आंसर सेरिब्रम नाउ नंबर थर्ड इज वन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन सॉरी रिफ्लेक्स एक्शन का कोई भी एक एग्जाम्पल बताना है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई आउट ऑब्जेक्ट जैसे होता है या फिर थ्रोन पिक करते हैं सो इसी तरह होता है वाटरिंग ऑफ माउथ वाटरिंग ऑफ माउथ एट द साइट ऑफ फूड यस जब कभी भी हम क्या करते हैं एट द साइट ऑफ फूड नेक्स्ट इज नंबर फोर्थ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आइस कलर पार्ट जो हमारा आइस का कौन सा है आइस सो व्हाट यू राइट आइस दिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आवर आइस द ऑर्गन विच हेल्प अस टू ब्रीथ एंड स्मेल ब्रीथ और स्मेल करने में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है हमारी नोज नोज हेल्प अस इन ब्रीथ एंड स्मेल सो दीज आर योर नेम द फॉलोइंग ओके एंड आंसर दिस क्वेश्चन आई ऑलरेडी सेंड टू यू सो इफ यू ऑलरेडी डिड इन योर फेयर नोटबुक नो नीड टू डू इन योर फेयर नोटबुक इफ यू अगर आपने अभी तक नहीं किया है वर्क सो आपको जो मैंने सेंड किया था चैप्टर 8 एंड 9 कम्प्लीटली एक्सरसाइज सेंड की थी दोनों चैप्टर की तो आपको 8 एंड 9 कम्प्लीटली आपको अपने फेयर नोटबुक में करना है ओके एंड 10 11 ऑल्सो आई विल सेंड सो स्टूडेंट्स सी द वीडियो वेरी केयरफुली ओके एंड लर्न विद मी आपको मेरे साथ साथ रिवीजन करते हुए चलना है चैप्टर रीडिंग करनी है एक्सप्रेशन अच्छे से समझनी है एंड अगर आप रीडिंग और एक्सप्रेशन अच्छे से समझोगे तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको एक्सरसाइज भी साथ में लर्न करते हुए चलना है तो एग्जाम टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सो स्टूडेंट्स आपको चैप्टर 8 एंड 9 रिविजन डन
ओके सो टुडेज वीडियो सी द वेरी केयरफुली एंड कम एंड जॉइन योर डाउट क्लास. थैंक यू.